ब्रिटेन की 90 साल की मार्गरेट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बनी हैं जिन्हें कोरोना का पहला पूर्ण विकसित टीका लगाया गया है। आज लंदन में एक अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें फाइजर बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना का पहला टीका दिया। मार्गरेट कीनन को मध्य इंग्लैंड के कॉन्वेंट्री अस्पताल में डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगाया। उन्हें स्थानीय समय के मुताबिक 6:31 पर कोरोना का वैक्सीन दिया गया। मार्गरेट कीनन एक सप्ताह बाद ही अपना 91वां जन्मदिन मनाने वाली हैं। बता दें कि ब्रिटेन में आज से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी कंपनी फाइजर और बायोटेक ने विकसित किया है। मार्गरेट कीनन पहली महिला हैं जिन्हें कोरोना का पूर्ण विकसित टीका दिया गया है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के दौरान कई लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस वैक्सीन की शुरुआत के साथ ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लगभग 15 लाख लोगों की जान लेने वाले कोरोना महामारी के खिलाफ अंतिम जंग की शुरुआत कर दी है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मार्गरेट कीनन ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती हैं कि उन्हें कोरोना का पहला वैक्सीन दिया गया है। यह मेरे जन्मदिन से पहले शानदार तोहफा है जिसकी मैं कामना कर सकती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकती हूँ और परिवार के साथ नए साल की खुशियों में शामिल हो सकती हूँ। यान न्यूज नेटवर्क के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट, नई दिल्ली।